चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का चौथा क्लास देने जा रहे हैं, और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम शुरू कर चुके थे, और उसमें बेसिक बाइनोमियल थ्योरम पे हमने क्वेश्चंस भी करा चुके थे। चलिए आगे आज बढ़नी है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने के पहले थोड़ा बेसिक पे हम काम करेंगे, क्योंकि जब बेसिक हम आपको बताएंगे तो लेयर बन जाएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चंस बनाने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहिए, पूरी इंटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, कितने खतरनाक दिखने में लग रहे हैं। लग रहा है कि हालत खराब हो जाएगी इस गर्मी में, लेकिन मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट को आप देखकर देखिए, हालत खराब नहीं होगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते रहिए। समझिए कि एक तरह ये जो क्लास होगा एक स्टडी की तरह होगा, बहुत मजा आएगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो पर बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, क्या इसकी भावनाएं हैं, इसके दिल में क्या है, क्या रहस्य होगा, आइए समझाते हैं, एकदम प्यार से बताएंगे मेरे भाई। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम यह कहता है कि अगर ए एक्स प्लस पी द होल पावर एन में हम ए से भाग दें, किससे भाग दें, ए से भाग दें, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो पी के पावर एन मिलेगा। क्या मिलेगा, पी के पावर एन मिलेगा। सर, ये तो थ्योरम आप बता दीजिए, इस पे दो क्वेश्चन हो जाता, मजा हो जाता, और हम भी यही चाह रहे हैं कि एग्जांपल की मदद से इस कंसेप्ट को समझाया जाए आपको। अगर हम एक काम करते मेरे भाई, दो क्वेश्चन से लेते हैं, यहां पे आराम से देखिए, यहां पे ले ले 25 के पावर 26 बटा 26। एक और क्वेश्चन लेते हैं 25 के पावर 27 बटा 26। मेरे दोस्तों, इसमें भी आपको रिमाइंडर बताना होगा और इसमें भी आपको रिमाइंडर बताना होगा। कहेंगे सर, अगर नॉर्मली इसका रिमाइंडर बताना होता तो 25 को 26 बार गुना करते, मतलब 25 गुने 25 गुने 25 गुने इस तरीके से 26 बार, अब बट्टा तब 26 में भाग देते, मतलब मियादी बुखार हो जाता, आदमी ऊपर भी चला जाता, क्वेश्चन से नहीं बनता, गुना करते करते हालत खराब हो जाता। तो फिर क्या कोई शॉर्टकट ट्रिक है जिसके द्वारा खटक दे हम बना दे, तो इसी के लिए ना बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम को इसमें किस प्रकार से सेट करेंगे, इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम पर ध्यान से देखिए, इसको अपनी एकदम कातिल निगाहों से इस पर ध्यान से देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे क्या है जी, ए है, यहां पे क्या है, ए है, और अंश में आप देखिएगा एक्स के गुणांक भी क्या है, ए है, मतलब जो यहां पे है, जो मेटेरियल यहां पे है, वही मेटेरियल एक्स के गुणांक में है, मतलब इसका अर्थ है कि यहां पे 26 है और यहां पे 25 है, तो हमें 25 के लिए क्या करना होगा, 26 माइनस एक करना होगा, 26 माइनस एक करना होगा, और ऐसे भी 26 माइनस एक करेंगे तो इस फॉर्मेट पर मिल जाएगा, और 26 में से एक निकालेंगे तो 25 भी मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, 26 माइनस एक द होल पावर 26, अब बटा कितना हो जी, 26। और मेरे भाई एक बात बताइए, ए से तो एक कैंसिल, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी पी के पावर एन, पी के पावर एन, तो पी की जगह पर क्या होगा, माइनस एक के पावर 26। और मेरे भाई एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, ये माइनस एक के पावर 26 और 26 हम आपसे पूछे कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप खटाक देना बताएंगे सर इवन नंबर है, और माइनस एक के पावर इवन नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव में एक मिलेगा, तो आंसर कितना होगा जी, एक मिलेगा, और जो आंसर मिला है वही रिमाइंडर हो गया, बन गया, इसका रिमाइंडर एक होगा, बन गया। कहीं सर ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हम बोले कि पिछले क्लास आप नहीं देखे हैं तो आपका हालत खराब हो जाएगी इस क्वेश्चन को बनाने में। कहीं सर कैसे हो जाएगा, इसी पे तो है, देखिए ना जरा दिल थाम कर रखिए, यहां पे देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, एक स्टेप तो जरूर आप जाएंगे, जाएंगे लत लगा दिए हैं इसको देखकर, आप एक स्टेप बढ़ेंगे, यानी यहां पर क्या करेंगे, 26 माइनस एक,
क्योंकि सर 26 माइनस 1 मतलब 25, बिल्कुल। अब पावर 27, अब बटा नीचे कितना 26, अब बात समझिए मेरे भाई, यहां पे क्या होगा माइनस 1 के पावर 27, माइनस 1 के पावर 27। अब देखिए जब तक शेषफल नहीं निकलता है तब तक जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लिख सकते हैं, इलाउ होता है, डरने की बात नहीं है। तो मेरे भाई कितना होगा माइनस 1, क्योंकि ऑड नंबर है, माइनस 1 के पावर माइनस 1 बटा 26। अब यहां पे देखिए ये आपका रिमाइंडर नहीं होगा, हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर देना होगा ना, ये तो यहां पे आपको निगेटिव रिमाइंडर मिल गया। बात को समझिए मेरे भाई, ये तो निगेटिव रिमाइंडर हो गया, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा। हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें जिससे भाग दे रहे हैं तो भाग तो किसे दे रहे हैं 26 से, तो 26 में माइनस 1 कर लेना होगा, तो 26 में से 1 निकल जाए तो कितना होगा 25, और इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 25 होगा, और बन गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, और केवल रिमाइंडर थ्योरम केवल बाइनोमियल थ्योरम पे नहीं है, बहुत सारे यहां पे थ्योरम लगेगा। तो आइए इन सारे क्वेश्चन को उरच उरच कर बना रहे हैं, देखते रहिए। चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखिए यहां पे देखते रहिए, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो देखिए बहुत जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यानी यहां पे समझते चलिए। देखिए बाइनोमियल थ्योरम के तो बारे में बता दिए, दो नंबर समझेंगे फर्मेट्स नियम। देखिए फर्मेट्स थ्योरम को समझेंगे, देखिए फर्मेट्स थ्योरम को समझेंगे कि फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, बात को एकदम गंभीर से समझिएगा मेरे भाई, 2 के पावर 2 अब बटा 3 कर लो, 2 के पावर 2 बटा 3 कर लो, और इसको थोड़ा इसकी सुंदरता और बढ़ाऊं तो 2 के पावर इसी चीज को हम यहां पे जो पावर में 2 है तो इसके लिए 3 माइनस 1 अब बटा 3 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए और ए दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है, अप्रोक्सीमेट बराबर नहीं एग्जैक्ट बराबर है। अब एक बात बताइए, इसका हम शेषफल पूछे कि रिमाइंडर आप बताइए तो क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं? कहेंगे सर ये तो कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 अब बटा 3, तो 3 में हम 4 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहां पे 1, रिमाइंडर कितना हो गया 1, मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब इसका रिमाइंडर 1, मतलब इसका भी रिमाइंडर 1, मतलब इस पे एक हम थ्योरम फिट कर सकते हैं, इस पे हम एक थ्योरम फिट कर सकते हैं। आइए समझाते हैं कैसे मेरे भाई, इसको देखकर इसको देखकर इसको देखकर पहले देखेंगे गौर से, दिल में उतारेंगे इसको, दिल में उतारेंगे मेरे भाई। एक बात समझिए, यहां पे जो बट्टा में आप देख रहे हो, बट्टा में प्राइम नंबर होनी चाहिए, कौन सा नंबर होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, और 3 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का अर्थ होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए, और 3 का फैक्टर 2 होगा, 1 होगा और 3 होगा। यहां तक बात समझ में आती है? अब एक बात बताइए, देखिए एक सूत्र लिखते हैं, इसके लिए हम a का प्रयोग कर लें, आप p-1 बटा p, a के पावर p-1 अब बटा p, देखिए दोनों तो सेम है ना जी, तो p-1 बटा p, इसका जो रिमाइंडर होगा मेरे भाई हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। और एक बात वेयर, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि पी इज जो पी होगा, यानी यहां पे प्राइम नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आइए इस पे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, चलिए करते हैं, बहुत मजा आएगा। और एक बात मैं बता दूं कि देखिए यहां पे कोई बंदा है, एक कोई बंदा है, हमें हो सकता है कि पहले बाइनोमियल थ्योरम आपको देखना पड़े, उसको हल करने के बाद फॉर्मेट्स पे जाए तब उसका रिमाइंडर मिल पाए, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहां से इसको हटाते हैं, देखिए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए मेरे भाई। यानी देखिए जो पहला क्वेश्चन है, 7 के पावर 10
अबटा 11 रिमाइंडर बतानी है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे भाई, इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे पे आप ध्यान दीजिए, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो हम तो फर्मेट थ्योरम पर सेट करेंगे, तो 7 के पावर 10 के लिए 11 माइनस 1 कर सकते हैं का? अरे बात तो वही हुआ, 11 में से 1 जाएगा 10, अब बटा 11। और मैंने बताया है कि ये जो आप रूप देख रहे हो यही क्या है जी, 1 के पावर p-1/p, और इसका रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। तो मेरे भाई आप सीधे बता सकते हैं कि सर इसका रिमाइंडर 1 होगा, और यही रहा राइट आंसर, बन गया, कुछ नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपको फर्मेट्स नंबर निकालना होगा, फर्मेट्स नंबर निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा, p-1 करना होगा। क्या करना होगा? p-1 करना होगा। जैसे यहां पे इसमें देखिएगा, इसमें आप देखिएगा कि अगर फर्मेट्स नंबर निकालना होगा, फॉर्मेट्स नंबर निकालना होगा, तो मेरे भाई p-1, तो p क्या है, 11-1, तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। ये भी बात आप दिमाग में डालकर चलिए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन और करें कि 5 के पावर 10/11 कर दे, और इसका रिमाइंडर आपसे पूछ दे कि क्या आप इसका रिमाइंडर बता सकते हैं, बताइए, कमेंट्स करिए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। क्या मेरे दोस्त आप बता सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहेंगे सर इसका तो इलाज हम ऐसे करेंगे जैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है मेरे भाई? हमें इस पे सेट करना होगा, तो यानी 5 के पावर p-1, तो यानी यहां पे तो p है, तो यानी क्या होगा, 11-1/11। देखिए ये जो आप रूप देख रहे हो, ये जो सुंदर रूप देख रहे हो, इस पे तो आप पिघल गए होंगे, और आप देखिए इस पे सेट कर जा रहा है, मतलब यानी जो रिमाइंडर होगा इसका 1 होगा। इसका क्या होगा? 1 होगा। ये जब भी सेट करेगा, ये जब भी सेट करेगा, जब यहां पे पी बट्टा में जो पी होगा वो क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चंस को बता रहे हैं, देखते रहिए। यहां से इसको हटाते हैं, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, आराम से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त है। 69 के पावर 22/23, क्या आप रिमाइंडर बता सकते हैं? बता सकते हैं। सबसे पहले बटा पे ध्यान दीजिए कि कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। हाँ, अगर प्राइम नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, 69 के पावर ये जो 22 है, क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या 23-1 कर सकते हैं क्या? 23 में से 1 निकल जाएगा 22, अब बटा नीचे 23। अरे तो यही तो होता है आपका फर्मेट्स थ्योरम। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1, बन गया, बन गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 7 के पावर 41/11। वाह क्या बात है, सोचिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात आपको बता दूं कि इसको हम सबसे पहले इसका यानी यहां पे देखिएगा, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो हमें तो बनाना होगा फॉर्मेट्स के थ्योरम से। अगर हम फॉर्मेट्स नंबर पूछे तो बताए कि p-1 होगा, मतलब p की मैं बात करूं तो 11-1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें हमें इसको देखिए ऊपर वाले को कैसे इलाज करना है, 7 के पावर 10 देना होगा, क्योंकि फॉर्मेट्स नंबर कितना है, 10 है, तो 7 के पावर 10 देना होगा, और इसके ओवरऑल पावर हम 4 लिखकर इंटू 7 के पावर 1 देकर अब बट्टा में 11 दे दू तो कोई दिक्कत है क्या? कहेंगे सर 10 चौका 40, 10 के पावर 40 इंटू नहीं 7 के पावर 40 इंटू 7 के पावर 1, मतलब 7 के पावर 41 हो जाएगा, बात तो वही रहेगा। और यहां पर देखिए ये जो 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 के लिए 11-1 ऐसे 7 के पावर जो 10 है 11-1 द ओवरऑल के पावर 4 इंटू 7 के पावर 1/11। आप देखिए ये तो पूरा 1 के पावर 4 मतलब कितना होगा, 1, तो यानी 1 × 7 / जब तक सिस्फल नहीं निकलता है
जिससे भाग दिया जाए तो उसको रख सकते हैं, तो 7/11 और इसका जो रिमाइंडर होगा अगर नीचे से ऊपर छोटी संख्या आ गया तो वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। आंसर बन गया 7। आंसर कितना हो गया 7, ये भी बना लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 70^801/17, खतरनाक क्वेश्चन है भाई, खतरनाक क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ये वाला 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ देंगे, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे आप लोग करिएगा। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, खतरनाक क्वेश्चन से। तो देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जिससे हल्का हो जाए, जिससे क्या हो जाए हल्का। 17^64 ऐसे 68+2 द होल पावर 801/17 कर सकते हैं क्या, यहां तक तो कर सकते हैं, यहां तक तो कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसके बाद देखिए 17^64 ये तो खत्म हो जाएगा, 2^801/17 यहां तक चलेगा। अब यहां से हम फर्मेंट्स के थ्योरम से बनाएंगे मेरे भाई, तो यानी बताइए सबसे पहले बताइए फाइनाइट जो फर्मेंट नंबर होगा वो क्या होता है, p-1 होता है, तो p के मान कितना, 17-1 कितना होगा 16, तो हमें 2^16 तो रखना ही पड़ेगा। अब यहां पे कितना रखें, 50 रख देंगे, तो देखिए 16×5 80, 10 है 800 × 2^1/17, तो मेरे भाई आप समझ सकते हो कि 16 के बदले कितना रख सकते हैं, 17-1 फर्मेंट्स थ्योरम ये पूरा 1, तो कितना होगा 2/17। तो बताइए ये देखिए ऊपर नीचे वाली संख्या से छोटी संख्या है, तो यही आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 बन गया, बन गया। देखिए अब आप 6 तक बना सकते हो, और एक बात देखिए 1 से लेकर 6 तक में जो भी क्वेश्चन आप देखे होंगे सबके बटा में, सबके बटा में एक ध्यान से देखे होंगे, यानी आपका प्राइम नंबर आया है, कौन सा नंबर आया है, प्राइम नंबर आया है। अब यहां पे देखिएगा, यानी यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिएगा इस पूरी लाइन में देखिएगा तो यहां पर प्राइम नंबर नहीं है, यहां पे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर तो आपको समझ में आता होगा ना, भाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें फैक्टरों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। तो फिर यहां पे इस तरीके से चलेंगे तो आप फेल मार देंगे, मतलब फर्मेंट्स थ्योरम यहां पे नहीं लगा सकते हैं, यहां पे यूलर्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, यूलर्स थ्योरम को समझना पड़ेगा। तो आइए बताते हैं यूलर्स थ्योरम को, समझते चलिए, यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखिए। देखिए मेरे भाई एक बात समझिए, यूलर थ्योरम को समझेंगे, यूलर्स थ्योरम देखिए, यूलर्स थ्योरम को समझेंगे तो एक में बात बता दूं कि देखिए, यानी यहां पे 27^25/8 मेरे भाई, यहां पे जो 8 देखिए, नो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें पढ़ना होता है यूलर नंबर, क्या पढ़ना होगा, यूलर नंबर। देखिए यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे सुनिएगा ध्यान से, यूलर नंबर जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूलर नंबर को हम कैसे निकालते हैं इस बात को समझिएगा, टोसेंट इसको बोलते हैं, टोसेंट क्या बोलते हैं, टोसेंट, यूलर नंबर बोलिए या टोसेंट बोलिए, जैसे काम करते हैं 10 का हमें टोसेंट वैल्यू निकालना होगा, 10 का हमें टोसेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे, टोसेंट वैल्यू का अर्थ क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, 10 का टोसेंट वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई एक बात समझिए, 10 का हमें फैक्टर करना पड़ेगा, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो कितना होगा 2×5, कितना होगा 2×5। अब यहां पे ये जो 10 है तो 10 दे देंगे, यहां पे 2 है तो 2 दे देंगे गुना में, इससे कम ऊपर लिखेंगे 1, तो 1/2, ये 5 है तो 5 दे देंगे, इससे कम
करके एक ऊपर लिखेंगे चार। देखिए ए से ए कैंसिल, कितना होगा चार, मतलब 10 का जो यूलर नंबर होगा, 10 का जो यूलर नंबर होगा वो कितना होगा, चार होगा। कितना होगा, चार होगा। अगर मैं 20 का पूछूं तो 20 को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड लिखना है तो कितना होगा, 2 का 2, 2 का स्क्वायर अगुने 5, 2 दुना के 4 गुने 5 हो जाएगा। और यानी पावर से कोई मतलब नहीं है, ये 20 गुने, ये 2 है तो 2, 1 कम करके ऊपर लिखिए, ये 5 है तो 5, 1 कम करके ऊपर लिखिए, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, आइए हम बता रहे हैं। जैसे कि हम ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 से कम हमें यूलर, 10 से कम ये जो टोसेंट का मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो आइए देखिए 10 से कम मतलब 10 हम ले लेंगे, और हमें यानी सअभाज्य संख्या देखना होगा, तो सअभाज्य संख्या देखते हैं, ये सअभाज्य संख्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है, तो 1 में 10 से भाग देंगे तो सअभाज्य संख्या खातिर HCF 1 होनी चाहिए, तो 1 हो जाएगा। फिर आपका कौन हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, 3 हो सकता है क्या, 3 हो सकता है क्या, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 9 होगा, 4। मतलब कितना होगा, 4 सअभाज्य संख्या होंगी, क्या होगी, मतलब 4 सअभाज्य संख्या होंगी। मतलब 10 यूलर नंबर का अर्थ क्या हुआ कि 10 से कम कितनी सअभाज्य संख्या होंगी, 4 अब सअभाज्य संख्या होंगी, इसका अर्थ यह होता है। अब यहां पे देखिए कैसे क्वेश्चन से बनाते हैं, पहले बोर्ड पे देखिए, देखिए 27 के पावर कितना है, 25, अब बट्टा में कितना है, 8, बट्टा में कितना है, 8। सबसे पहले बाइनोमियल लगाएंगे, बाइनोमियल तो कहेंगे सर इससे कटने वाला, तो 8 3 के 24 अब प्लस 3 द होल पावर 25 अब बटा कितना, 8, ऐसे मर जाएगा 3 के पावर 25 अब बटा 8। और यानी 8 का अभी हम पूछे कि 8 का यूलर नंबर बताइए, 8 का टोसेंट वैल्यू बताइए, तो 8 का क्या होगा, 2 के पावर 3, पावर से कोई मतलब नहीं, ये 8 है तो 8 अगुने नीचे 2 ऊपर 1 कम तो 1, 4 दुना के 8, 4 आएगा, तो इसको हमें ऐसा लिखना होगा 3 के पावर 4 करना पड़ेगा, जो यहाँ पे है उसके पावर जो वैल्यू आएगा रखना पड़ेगा 4, और यहाँ पे 3 के पावर 25 है तो ऊपर 6 रखना पड़ेगा, तो 3 के पावर 24 यहाँ पे 25 है तो 1 3 से गुना करना पड़ेगा बटा 8। ये देखिए टोसेंट वैल्यू हो गया, तो ये पूरा मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और यानी 3 के पावर 1 मतलब 3। हमें सेसफल निकालने के लिए जिससे भाग दिया जाता है वहां हम रख सकते हैं, तो बताइए यानी सेसफल आपका कितना मिलेगा, अगर नीचे वाली संख्या बड़ी हो और इसे ऊपर वाली छोटी हो तो यही आपका सेसफल कितना होगा, 3 होगा, और यही रहा राइट आंसर, बन गया कुछ नहीं है, बन गया कुछ नहीं है। चलिए एक 9 नंबर क्वेश्चन भी करा देते हैं, तब आप 10 नंबर बनाइएगा। आइए यहां से हटाते हैं इसको, देखते रहिएगा, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, 11 के पावर 127 अब बटा 49। नीचे देखिएगा कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो फिर इसका हमें यूलर नंबर निकालना होगा, तो 49 का यूलर नंबर निकालेंगे तो 49 के लिए 7 गुने 7 मतलब 7 का स्क्वायर पावर से कोई मतलब नहीं, हमें इसका यूलर नंबर निकालने के लिए 49 अगुने 7 है तो 7 ऊपर 1 कम तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 42। हमें 11 के पावर 42 द पावर कितना रख दें, 3 अगर रख दे तो कितना होगा, 3 दुना के 6 कितना होगा, 34 12 126, पावर 127 है तो हमें 11 के पावर 11 रखना होगा ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टोसेंट वैल्यू आया है तो ये पूरा आपका 1 बनेगा, तो कितना होगा, 11 क्या होगा, 11 11 बटा 49, अगर इसकी रिमाइंडर की बात करूंगा तो आप बताओगे कि सर 11 होगा, बन गया, एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 बना सकते हैं मेरे भाई, 10 बना सकते हैं। आइए 11 की तरफ चलते हैं, तो देखिएगा 11 की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए एक खतरनाक बात बता रहे हैं, 11 का हम बता देना तो आप 12 और 13 बना सकते हैं, 12 13 बना सकते हैं मेरे भाई। देखिए 4 की पावर एक सूत्र बता रहे, 4 की पावर n बटा 6, 4 की पावर n बटा 6, n की जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, इसका हमेशा जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो हमेशा रिमाइंडर आएगा वो 4 ही होगा। जैसे देखिए 4 के पावर 1 बटा 6 रिमाइंडर कितना होगा, 4, 4 के पावर 2 बटा 6 ये कितना, इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। देखिए 16 बटा 6, 6 में 16 से भाग दे देंगे तो कितना होगा,
छह दुना के 12, यहां पर रिमाइंडर 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 होगा। मतलब एक बात समझिए, 4 के पावर कुछ भी क्यों ना हो, 4 के पावर कुछ भी क्यों ना हो, उसमें हमेशा 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा 4 ही मिलेगा। इसी पे तो है, इसी पे तो है, इसके बट्टा में 6, इसके बट्टा में 6, इसके बट्टा में 6 है और 4 के पावर दिया है, तो यानी 4 के पावर 135/6 रिमाइंडर पूछा है। भाई इसको देखिए ना, इनके जगह पर कुछ भी क्यों ना हो, इसका रिमाइंडर कितना होगा? 4 हो जाएगा, बन गया। आप ए भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। आइए एक 14 नंबर क्वेश्चन, आइए एक 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 के पावर 31 के पावर 31/32, मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा? आप एक बात बताओगे, एक बात बताओगे, सिर्फ आप ही से पूछ रहे हैं। 31 के पावर, 31 को हम 31 बार गुना करें, 31 गुने 31 इस तरीके से 31 बार गुना करें, तो गुना करने के बाद भाई एक बात सोच समझ सकते हो कि ऑडे नंबर ऊपर देखने को मिलेगा और नीचे 32 है तो 32। क्या आप इतना बार बता सकते कैसे बनेगा, किस थ्योरम से बनेगा? सर बाइनोमियल से। यहां पे जो 31 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 32-1 अबटा ऑड नंबर अबटा में कितना? 32। सर बिल्कुल, आप बताइए बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? -1 के पावर ऑड नंबर अब बट्टा नीचे 32 कर सकते हैं, जब तक शेषफल नहीं निकलता है तब तक जिससे भाग दे लिख सकते हैं, तो -1 के पावर ऑड मतलब -1/32। अब आपका पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए ना, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए जिससे भाग दे तो उसमें घटा लेंगे, 32-1 कितना हो जाएगा? 31, और यही रहा राइट आंसर, बन गया। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गया होगा। आइए आप यानी 14 तक आप क्वेश्चंस करा दिए, अब एक बात समझिए, आगे पढ़ना है विल्सन, विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम क्या कहता है फैक्टोरियल के बारे में? मेरे भाई दो बात समझिए, यानी यहां पे n-1 फैक्टोरियल बटा n, अगर ऐसा कुछ दिया रहता है और यानी n यहां पे प्राइम नंबर रहेगा, क्या रहेगा? प्राइम नंबर, तो आपका आंसर n-1 मिलेगा। क्या मिलेगा? n-1। लेकिन n-1 का फैक्टोरियल बटा n और आपका n कंपोजिट नंबर रहेगा, क्या रहेगा? कंपोजिट नंबर रहेगा, तो आपका जो रिमाइंडर मिलेगा वो शून्य मिलेगा और यहां पे n का मान 4 से बड़ा होनी चाहिए, एक कंडीशन है। जैसे देखिएगा 9/10, यहां पे देखिएगा, चलो पहले इसको बनाते हैं 15 नंबर, देखिए 10/11, यहां पे देखिए आपका प्राइम नंबर है, क्या है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो शेषफल क्या होगा? n-1, तो n-1, तो n-1 यानी यहां पे क्या कर लेना होगा? 11-1 कितना हो जाएगा? 10, यही रहा राइट आंसर, बन गया। जो यहां पे रहेगा वही हो जाएगा फैक्टोरियल को छोड़कर। और इसके लिए यहां पे देखिए, इसके लिए यहां पे देखिए, जैसे 9/10 बट्टा में क्या है? कंपोजिट नंबर है, 4 से बड़ा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो रिमाइंडर होगा आंसर क्या आएगा? 0 हो जाएगा, बन गया। तो आप यानी यहां तक बना सकते हैं, 18 तक आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी खतरनाक है। देखिएगा अगर बट्टा में प्राइम नंबर है और इससे एक कम रहे यहां पे टाइम्स में, तो इसका हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, क्या होगा? 0 होगा, बन गया। इसको समझिएगा एक बात, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1/6, 2 के पावर 3/6 और यहां पे ले ले 2 के पावर 2/6 और 2 के पावर 4/6, एक कहानी यहां पे देखना है, एक कहानी देखना है भाई, यानी 2/6 आपका जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना बनेगा? 4, सॉरी रिमाइंडर क्या होगा? 2। यहां पे भी देखिए 8/6, यहां पे भी जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? 2। मतलब 2 के पावर ऑड नंबर है, 2 के पावर ऑड नंबर है, अच्छे से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा आपको 2 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 2 आएगा। और यहां पे देखिए 2 के पावर 4/6 यानी यहां पे तो रिमाइंडर 4 हो गया, यहां पे भी देखिएगा 16/6 यहां पे भी रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। मतलब 2 के पावर इवन नंबर रहे
और 6 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा। इसी पे क्वेश्चन दिया है, देखिए 218 के पावर 3378 के पावर 516 के पावर 96 अब बटा 6 से भाग दिया गया है। तो मेरे भाई देखिए लास्ट में इवेन 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 मतलब 2 के पावर 18 आप ये पूरा गुना कर लेंगे, मतलब इसके पावर मतलब आपको गुना कैसे करने आएगा तो आपको तो पता ही होगा, और इसके पावर हमेशा इवेन नंबर आएगा, क्या आएगा इवेन नंबर अब बटा 6। तो बताइएगा बताइएगा एक बात बताइए, अगर इवेन नंबर आएगा यानी इवेन नंबर आएगा तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आंसर सिर्फ 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।